तो देखो कितना खूबसूरत दिखता है हमारे स्कूल का एंट्रेंस। इस वीडियो में ना मैं आपको हमारे स्कूल का बस टूर दे रही हूँ। यहाँ के हर कोने में हमारी याद बसी है। अगर मैं आपको वो बताने गई तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं और आपको बस में स्कूल का टूर दे रही हूँ। तो आप रेडी है हमारा स्कूल देखने के लिए? तो जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। हमारे स्कूल में आपका स्वागत है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ एडमिन ब्लॉक से। तो ये है हमारे एडमिन ब्लॉक की एंट्रेंस और अंदर जाते ही लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे ये सारे रैंकर्स के नाम, किस साल में वो पास आउट हुए हैं, कितने मार्क्स से। आप में से कई लोग इनको जानते भी होंगे। तो ये है कॉरिडोर जो कि आपको क्लासेस तक लेके जाता है। इसके लेफ्ट साइड में है ग्राउंड और राइट साइड में गार्डन। और ये है डिस्प्ले बोर्ड जहाँ पे बच्चों ने निकाली हुई सारी ड्राइंग्स डिस्प्ले की हुई है। यहाँ से आपको लेफ्ट लेके ऊपर चलना है। अभी हम लाए हैं फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे 6 to 9 तक क्लासेस है। 6 के टाइम पे इस कॉरिडोर में हम खेलते थे और बारिश के टाइम पे ना यहाँ पे मॉर्निंग पीटी होती थी प्लस स्कूल की असेंबली भी होती थी। तो ये है क्लासरूम्स और मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि देखो क्लासरूम लॉक है और नीचे देखो बच्चे खेल भी रहे हैं। हम भी ऐसे ही खेलते थे स्कूल बिल्डिंग में। और हमारे स्कूल में आपको ना हर जगह पे थॉट्स दिखाई देंगे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रूम मैंने आपको दिखाया। अभी स्टेट जाने के बाद ना लेफ्ट में भी क्लासरूम है और राइट में भी क्लासरूम है। यहाँ से पूरा ग्राउंड भी दिखता है। तो ये रहा ग्राउंड और हम भी कुछ सालों पहले ऐसे ही खड़े रहते इवनिंग पीटी के। यहाँ पे अभी काउंटिंग हो रही है गर्ल्स की। और अभी हम लोग आ गए हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। ये देखो महादेव को मौका मिलते ही उसने स्टार्ट किया बैडमिंटन खेलने के लिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम लोग अकादमिक ब्लॉक से एंटर हुए तो कैसा दिखता है हमारा स्कूल। तो ये रहा हमारा अकादमिक ब्लॉक, वैसा का वैसा ही है। और यहाँ पे आगे हमारी असेंबली होती थी, यहाँ पे हम लोग खड़े रहते थे असेंबली में देखकर। और वो है केमिस्ट्री लैब, बायो लैब और फिजिक्स लैब फर्स्ट फ्लोर पे है। नीचे बस 10th और 12th क्लास के क्लासेस है क्योंकि 10th और 12th क्लास को ना बहुत ज़्यादा अहमियत दिया जाती है हमारे स्कूल में। 10th और 12th क्लास को ना स्पेशल ट्रीट किया जाता है क्योंकि उनका बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना इसी वजह से। तो मैं अभी आपको लेके जा रही हूँ मेस में। और ये जो ड्रेस देख रहे हैं आप ब्लैक रेड, ये हाउस रिप्रेजेंट करता है। रेड मतलब शिवालिक, ब्लू मतलब अरावली ऐसा। और अभी हम लोग मेस में पहुँच गए हैं। ये मेस और इसकी यादें एक डिफरेंट लेवल की। ये मेस अभी भी वैसा का वैसा ही है, बस इसको पेंट किया हुआ है और थोड़ा डेवलपमेंट हुई है। जैसे आपने वो रैंप देखा वो नहीं था हमारे टाइम पे। और यहाँ पे पहले ना बॉयज़ गर्ल्स दोनों एक ही मेस में खाना खाते थे। और इस मेस में ना एक टीवी है तो हम लोग हर संडे को यहाँ पे टीवी देखने आते थे। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो 2011 वर्ल्ड कप है ना तो हम लोगों ने इसी मेस में बैठ के देखा था। वो दिन, वो एक्साइटमेंट, लास्ट ओवर कभी नहीं भूल सकते हम लोग। क्या आप लोगों ने देखा था 2011 का वर्ल्ड कप तो कमेंट से बताना। और ये है हमारा सर्विस काउंटर और अंदर है हमारा मेस। मेस के साइड में ही है बॉयज हॉस्टल जो कि ये वाला है। और हॉस्टल कुछ इस तरीके से दिखता है अंदर से, सेम गर्ल्स हॉस्टल की तरह। वो हर बेड के साइड में एक वाइट पेपर चिपकाया हुआ दिखेगा और जो कि ये है। और इस पे लिखा होता है नाम, क्लास। और महादेव का हाउस था नीलगिरी और मेरा हाउस था शिवाली। तो महादेव अपने हाउस में गए और उसने इन बच्चों के साथ बहुत सारी बातें की। और ये रही महादेव की बेड, कुछ सालों पहले ये हुआ करती थी उसकी बेड। और स्टडी टेबल, चेयर, ये है बॉयज हॉस्टल के बाहर का भी। और ये देखो यहाँ पे भी बैडमिंटन खेला जा रहा है। ये पत्थर है ना इसे हम कहते हैं फातरी, ये कपड़े धोने के लिए है। बॉयज हॉस्टल से ना ये डायरेक्टली रास्ता जाता है ग्राउंड तक। और ये रहा गर्ल्स हॉस्टल बाहर से, एक्चुअली ना बास्केटबॉल ग्राउंड है तो शाम की पीटी की काउंटिंग यहीं पे होती है। तो ये अभी काउंटिंग कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग खेलने जाएंगे। और ये रहा हमारे स्कूल का जिम जहाँ पे आप देख सकते हैं अभी बॉयज अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये था हमारे स्कूल का टूर। शाम को अलुमिनाय के लिए मैच रखी गई थी, एक वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। यहाँ पे लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं, अलुमिनी वर्सेस करंट स्टूडेंट।
और उसी ग्राउंड पे फिर क्रिकेट खेला जा रहा है यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और टाइम हो रहा है 5:30।